हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं कि लाउड स्पीकर पर रिस्ट्रिक्शन के लिए एप्लीकेशन किस तरह लिखेंगे। अब लाउड स्पीकर चल रहे हैं, उनको रोकना है तो कोई एक जगह एक व्यक्ति जाकर तो नहीं रोकेगा, कोई अथॉरिटी चाहिए। तो हम किससे एप्लीकेशन लिखवाएंगे, टू द कलेक्टर, कलेक्टर के लिए लिखेंगे। अब हमारा सिटी दमोह है तो दमोह एमपी, आपका जो भी हो आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। रिस्पेक्टेड सर, अब एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। इट इज काइंड इन्फॉर्म यू, दयालुतापूर्वक बताना चाहता हूँ कि आवर एग्जामिनेशन आर एट हैंड, हमारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, यहाँ तो हाथ चल रहे हैं। बट देयर आर सम पीपल, लेकिन कुछ जो लोग हैं हु प्ले, वो बजा रहे हैं लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर को एट हाई पिच, बहुत ही तेज वॉल्यूम के साथ, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, सुबह जल्दी से लेकर रात देर रात तक। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो लाउड स्पीकर को बहुत ही तेज आवाज में बजा रहे हैं। सो जिसके कारण क्या है, वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट द स्टडीज, जिसके कारण हम स्टडी पर कंसंट्रेट या एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, या एकाग्र होने में अक्षम हैं, मतलब ध्यानपूर्वक हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए, सो आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यू to kindly impose restriction on the use of loudspeaker, कि आप जो लाउड स्पीकर हैं उन पर प्रतिबंध लगाइए। इसके बाद थैंक्स सर, योर सिंसियरली एक्स वाई जेड, डेट लिख दीजिए फिर, है ना, बहुत ही ईजी, क्या करना, कुछ नहीं। इट इज़ काइंड इन्फॉर्म यू दैट आवर एग्जामिनेशन आर एट हैंड बट देयर आर सम पीपल हु प्ले लाउड स्पीकर एट हाई पिच फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, सो वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट द स्टडीज, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।